वाराणसी में सोमवार को भोजूबीर में कामाख्या सेवा संस्थान की तरफ से महिला दिवस पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आए डॉक्टर कुंदन कपूर का संस्था की महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती मेहरोत्रा ने अंग वस्त्र और राजेश ने माँ कामाख्या देवी स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। विशिष्ट अतिथि रूप में आए प्रदेश महामंत्री संतोष जायसवाल का बबीता ने अंग वस्त्र से और सीमा ने माँ कामाख्या देवी जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। अतिथि रूप में आए राजेश कपूर का नेहा ने अंग वस्त्र से और महिला मोर्चा टीम की ओर से माँ कामाख्या देवी जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों के शुभ हाथों से महिलाओं को सम्मान पत्र दिया गया। वाराणसी से जमील अख्तर की रिपोर्ट। आरती मधुका, महिला मोर्चा अध्यक्ष। आज किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है महिलाओं को सम्मान के लिए। यहाँ पे कितनी महिलाएं उपस्थित हैं और आज के दिन क्या कुछ विशेष? 50 महिलाओं को हम लोगों ने सोचा और ज़्यादा हो जाएगी तो और भी करेंगे। कौन सी संस्था है ये? कामाख्या सेवा संस्था। ये संस्था कितने दिन से? ये 2016 से है। इस संस्था में कितने लोग काम करते हैं? काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन महिला मोर्चा का अलग है, जेंट्स अलग है। यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या कितनी? महिलाओं की संख्या है काफ़ी, यहाँ पे 100 के लगभग। आज के दिन क्या कुछ अलग करने वाली हैं आप लोग? आज के दिन कुछ अलग नहीं, बस यही अलग है कि आज के दिन हम लोग चाहते हैं कि एक दिन हम लोगों को अपने तरीके से जीने का मौका मिले। और वैसे तो हम लोग जीते ही हैं, महिलाओं के बिना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन महिलाओं के लिए जीना चाहते हैं। मैं शालिनी गोस्वामी, अध्यक्ष काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन महिलाओं के लिए विशेष दिन है, और ये आज 1908 से चला आ रहा है, जब महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पे उतर के 15,000 से ऊपर महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और उसमें कामयाब हुई थी। उस दिन से ये दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सीनेरियो चेंज हुआ है हमारे हिंदुस्तान में भी, बहुत काम हो रहे हैं, महिलाएँ आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गाढ़ रही हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि बिना, जैसे वो कहते हैं कि पुरुष, हर पुरुष सक्सेस पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो यहाँ हम कहेंगे बिना पुरुषों के सहयोग के हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे वो पुरुष हमारे पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, या हमारे बच्चे हो, भाई हो, अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग इतना आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है, तो सपोर्ट उनका बहुत ज़रूरी होता है। तो और अब हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में देख रहे हैं और हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे आ रही हैं। तो उसके लिए आप सभी पुरुष भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग को इतना सहयोग दे रहे हैं, घर में बाहर में हर जगह सहयोग मिल रहा है, और हम लोग इस तरह से ये मनाते रहें आगे। काफ़ी संस्थाएं मनाती हैं इस दिन को, और खुशी होती है कि महिलाओं को उनके काम से पहचान मिल रही है। मैं दिव्यांग शिखर अस्तोगी हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मुझे सम्मान मिल चुका है। और जैसे हमारे मोदी जी का भी यही कहना है कि नारी सर्वश्रेष्ठ है, वो उनको भी सम्मान हर जगह मिलनी चाहिए, तो वैसे आज ये दिवस हो रहा है, नारी का सम्मान हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया। मैं एक दिव्यांग हूँ, एक दिव्यांग के होते मैं महिला भी हूँ, तो इस समारोह में आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, महिला भी हर जगह अचीव कर सकती हैं और अपनी कदम से कदम सब महिलाओं के साथ मिला के एक वर्क कर सकती हैं।